अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ मिशेल, आज एक फिर से नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं दम बिरयानी, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है, यूं मिनटों में घर में तैयार हो जाएगी बिरयानी। तो चलें हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इसकी रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी चिकन। चिकन आप ले लें, मैंने इस चिकन को जो है ना थोड़ी देर सिरके में भिगो के रखा था। उससे ये होता है कि चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती होती है। सो इट इज़ अ चिकन, आप 1 kg चिकन ले लें। ये kg से कम चिकन है क्योंकि इतना ही अभी मेरे पास अवेलेबल था। तो ये दिस इज़ द चिकन, दिस इज़ योगर्ट, ये टमाटो प्यूरी है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। दिस इज़ गार्लिक पेस्ट, ये हरी मिर्चें हैं, लेमन, दीज आर सम स्पाइसेस, दैट इज़ सॉल्ट, गरम मसाला, सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स एंड कसूरी मेथी। ये प्याज था जो कि मैंने सर्व कर लिया था, एंड दिस ऑयल, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। एंड दिस इज़ बिरयानी मसाला, आई विल यूज़ दिस मसाला बिकॉज मुझे लहसुन का बिरयानी मसाला पसंद है। बाकी दैट इज़ यू, अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग की तरफ। तो हम पीसी में डाल देंगे सबसे पहले हमारा चिकन, साथ ही मसाले डाल देंगे हम, जो कि मैंने बताए थे, कसूरी मेथी, रेड चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, करी पत्ता, गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट। साथ ही हम डाल देंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और दही हम डाल देंगे इसमें। उसका मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया है, एंड एक पैकेट विल बी इनफ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाली हैं, तो एक से ज़्यादा पैकेट पर बहुत स्पाइसी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी टमाटो पेस्ट जो मैंने बनाई थी, दो से तीन टमाटर आप लेंगे और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अब इसमें अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं, तो अब इस चिकन को हम थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर हम इसको रख देंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से वो अब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद फिर हम इसमें इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है चिकन को मैरिनेट हुए हुए इस बैटर में। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल लगभग आधा कप, और ये इसको हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इस पर लेयरिंग कर देंगे चावल। चावलों को मैंने उबाल लिया था और पार्शली बॉयल किया था, एक कनी से ज़्यादा उनको मैंने कच्चा रखा है क्योंकि ये दम पे ठीक से पक जाएंगे फिर। और चावलों को बॉयल करते हुए मैंने इसमें डाला था सिनेमन, डाली सिनेमन स्टिक्स डाली थी इसमें मैंने, बड़ी इलायची डाली थी इसमें मैंने, और सिरका डाला था और लौंग डाला था। सिरका डालने से ये होता है कि चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। ठीक हो गया, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चावल। मैंने बासमती राइस लिए हैं बिकॉज मुझे बासमती राइस पसंद है, ईजी टू ईट होते हैं, लाइट होते हैं। सेना चावल मुझे पता नहीं क्यों लेकिन हैवी लगता है, तो इसीलिए आई एम यूजिंग बासमती राइस हियर। तो आप देख सकते हैं कि चावलों की लेयर इसमें लग चुकी है। अब हम इसमें ऊपर ये हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, लेमन डाल देंगे, ये हम डाल देंगे जर्दे का रंग, और साथ ही इसमें चला जाएगा ये सूख किया हुआ
अच्छा तो ये हमारी दम के लिए रेडी हो गई है बिल्कुल। गाइस ऐसा है कि मैं इसको देसी में दम दे रही हूँ, अगर आपके पास मिट्टी का मटका है आप उसमें अगर देना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी इसको दम दे सकते हैं, दैट इज़ गुड टू फॉर यू। ओके, मेरे पास चूँकि नहीं है तो मैं देसी यूज़ कर रही हूँ। दम के लिए हम इसमें ढक्कन लगा देंगे ऊपर, और ढक्कन के साथ हम ढक्कन को चारों हर तरफ से ये कच्चे आटे से बंद कर देंगे ताकि दम अच्छे से लगे। वीवर्स आटा लग चुका है इसके सारे साइड पे, और ये तवा मैंने पहले से चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था, मैंने चूल्हा लगाया उसके ऊपर तवा रखा और अब मैंने ये देसी रख दी है। तो ये चावल हमारे दम पे कम से कम 45 मिनट्स पकेंगे, उसके बाद हम इसे आंखों करके देखेंगे। तो तब तक हम जो है तो इंतज़ार करते हैं, और साथ ही साथ हम देसी के ऊपर रख देंगे थोड़ा सा वजन भी। फोर्टी फाइव मिनट्स गुजर चुके हैं इसको दम पे पड़े हुए, हम अब ढक्कन उठा के देखते हैं कि क्या पोजीशन है मेरे से। अब हम इसमें चम्मच क्या पोजीशन है नीचे से, और ये बिल्कुल मज़ेदार कुक हो चुका है। नाइस। अब हम हमारी दम बिरयानी को कर लेते हैं डिश। एज यू कैन सी कि चावल सो गुड। व्यूअर्स हमारी मज़े की दम बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत मज़े की लग रही है। आई होप यू गाइज विल ट्राई दिस रेसिपी एट होम और मुझे बताएंगे कि कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।